हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पेपर एसएसबी का जो पहले आया हुआ है, किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल का यह पेपर होगा और फिजिकल के कितने दिन लगभग इसके कितने दिन बाद पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे अगर रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें जीके 30 नंबर की, मैथ 25 नंबर की, रीजनिंग 25 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, इंग्लिश 10 नंबर की। ये सारी चीज़ें आपसे फर्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगी। और दोस्तों, रही बात सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर के बारे में हमने इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल दिया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाके सेकंड पेपर देख सकते हो। और दोस्तों, हम आपको इसका मॉडल पेपर दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 100 100 में से 100 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या इसका लेवल रहता है। आपके सामने एक पेपर रख रहा हूँ जो कि एसएसबी का पहले आया हुआ है एक पेपर। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल आप इजी मान सकते हो, मॉडरेट तरह के मान सकते हो, बिल्कुल न तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, इजी बीच का सा लेवल आप मान सकते हो, जिसको आप आराम से कर सकते हो। हम आपको जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया, खुजराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ। तो आप इन सभी प्रश्नों का आराम से जवाब दे सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, लगभग फिजिकल के 1.5 से 2 महीने बाद इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। और भारत की महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है, भारत की जलवायु कौन सी है, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, संविधान से भी आपसे एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों को पहचानता है। तो दोस्तों, इस तरह से संविधान के यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 21वें संशोधन में क्षेत्रीय भाषा की सूची में किस भाषा को जोड़ा गया, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जानवरों के शरीर में के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ठेस तत्व है, जीवन की उत्पत्ति के लिए रासायनिक सिद्धांत दिया गया था, किन्होंने दिया। दोस्तों, बिल्कुल आपके पढ़े हुए बिल्कुल सरल से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैथ शुरू हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैथ का लेवल है, ये इसमें +2 का लेवल है, ये ASI का पेपर है, इसलिए इसमें +2 की मैथ आई थी। तो आप बिल्कुल मत घबराए, आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में 10th लेवल का सिलेबस आएगा, जैसे कि लाभ हानि प्रतिशत और समय काम मजदूरी, जो भी ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सभी इस टाइप के नंबर सिस्टम, रेल वाले क्वेश्चन, पाइप टंकी, इस तरह के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उसमें आएंगे। ये तो 12वीं का लेवल है, ASI का पेपर है, इसलिए इसमें 12th के मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप सभी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। जो आगे देखो, यहाँ पर इंग्लिश के भी जो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 से इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर चालू हो रहे हैं, यहाँ पे सॉरी 56 से इंग्लिश के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं और यहाँ पर 65 तक है। 10 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो किस क्या लेवल रहेगा इस पेपर का। हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में इससे तो थोड़ा सा लेवल नीचे ही रहेगा, क्योंकि यह ASI का पेपर है।
और इसके बाद में आपसे 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल से, थोड़ा सा ग्रामर पूछा जाएगा उसमें, कुछ आपसे वन वर्ड पूछे जाएंगे, इस तरह से आपसे 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल सरल आपसे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र देख सकते हो, यहाँ पर एक नज़र इन क्वेश्चंस पर आप वीडियो को रोक कर डाल सकते हो, किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम बोल के नहीं बता सकते यह क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है आपका लेवल रहेगा, हमने अलग अलग आपको बता दिए हैं, 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जीके और 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश। इस टाइप से आपसे 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। सेकंड पेपर का लेवल किस किस तरह का होगा, क्या क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, वो सभी चीज़ें हमने एक वीडियो बनाकर डाल दिया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर सेकंड पेपर देख सकते हो। और दोस्तों अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना न भूले तथा अपने दोस्तों से शेयर करना न भूले, ताकि यह ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।